अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज हमारे किचन में बन रहा है अंडे आलू, जिसके लिए हमें चाहिए अंडे। हमने 5 अंडे लिए, आलू, प्याज, लहसुन, पाउडर मसाला में हमें चाहिए मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। अब हम अंडे बॉईल कर लेंगे और आलू भी बॉईल कर लेंगे। प्याज को फ्राई करके हम इसका मसाला बना लेंगे। प्याज हमने काट लिया है, लहसुन को हमने ग्राइंड कर लिया है, आलू हमने उबाल लिए हैं, अंडे हमने उबाल लिए हैं। अब हम इसको बनाते हैं। अंडे बच्चों और बड़ों में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये गज़ाइत से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम और फास्फोरस, फोलाद और प्रोटीन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वज़न कम करने में भी बहुत काम आता है। हम इसे वज़न कम करने में भी इस्तेमाल करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल लिया है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो रही है। हम कच्ची प्याज को ग्राइंड करके नहीं बनाएंगे, हम प्याज को ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन, फिर हम इसे ग्राइंड करके इसका मसाला बनाएंगे, फिर हम इसे बनाएंगे, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। निकाल लेते हैं। अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम ऑयल में जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाला पीसा है वो डाल देंगे। मसाला ग्राइंड किया हुआ डाल देते हैं।
इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। धनिया हमने डाल दिया, अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे, नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, हमारा मसाला भून रहा है। अब हम इसमें अंडे और आलू डाल देंगे। हमारा मसाला अच्छे तरीके से देखें भून गया। अब हम अंडे आलू डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे हम 5 मिनट तक अच्छी तरह अंडे और आलू को मसाले में भून लेंगे।
अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसकी हल्की सी ग्रेवी बना लेंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे। फ्लेम हम कर देते हैं ऑफ और इसको अब हम डिश आउट करते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। हमारे आलू अंडे बिल्कुल तैयार हैं। हमारी ये रेसिपी पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।